हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ सेटिंग्स जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जैसे कि आप YouTube में वीडियो देखते हो, है ना, तो YouTube में हम लोग जो वीडियो देखते हैं तो उसका एक हिस्ट्री बन जाता है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा जैसे कि आपका हिस्ट्री बन जाता है, आपने क्या क्या वीडियो देखा है, क्या नहीं देखा है, क्या सर्च किया है, सब कुछ जो है एक हिस्ट्री बन जाता है, एक रिपोर्ट बन जाता है ना। और अगर आप चाहते कि आपने जो भी वीडियो देखा है और जो भी सर्च किया है उसको कोई भी पर्सन नहीं देख पाए, और इसको जो है आप जो भी सर्च करेंगे उसका कोई वॉच हिस्ट्री नहीं बनेगा और जो है सर्च हिस्ट्री नहीं बनेगा, ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या सेटिंग करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर लोगो पे क्लिक कर देना है, आपका जो यूट्यूब का अकाउंट जो है उस पर। फिर आपको जो है सेटिंग पे क्लिक करना है, क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं हिस्ट्री एंड प्राइवेसी। तो यहाँ पर से आपको जो है अगर आप बंद करना चाहते हैं पॉज वॉच हिस्ट्री जो आपने देखा है उसको, अगर आप बंद करना चाहते हो मतलब जो भी देखेंगे उसका कोई रिपोर्ट नहीं बनेगा, कोई भी वॉच हिस्ट्री नहीं बनेगा, तो मैं यहाँ पर जो है इसको ऑन कर देता हूँ। और पॉज सर्च हिस्ट्री जो भी सर्च करेंगे उसका कोई भी रिपोर्ट नहीं बनेगा, तो मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ। फिर यहाँ पर आप दो ऑप्शन देख सकते हैं, पहला वाला है क्लियर वॉच हिस्ट्री, क्लियर सर्च हिस्ट्री। अगर आप क्लियर वॉच हिस्ट्री करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है, जो भी। तो फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ क्लियर वॉच हिस्ट्री, जो जो मैंने देखा है आज तक इस अकाउंट में वो सब कुछ जो क्लियर हो रहा है। आर यू श्योर वांट टू क्लियर योर सर्च हिस्ट्री? हाँ बिल्कुल, ओके कर दिया मैंने, तो मेरा जो सर्च हिस्ट्री है वो मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो यही था यूट्यूब का टिप्स और जो भी सेटिंग है मैं आपको बताना था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है क्रोम ब्राउज़र। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बताया कि भाई ऐसा जो है क्रोम ब्राउज़र बहुत सारे डाटा जो खर्च करता है, अगर बैकग्राउंड में उसको बंद भी कर दे फिर भी जो है डाटा खर्च करता है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो है क्रोम ब्राउज़र के अंदर एक सेटिंग है जिसको ऑन कर, जिसको जो है आपको ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने से जो है आपका डाटा जो है ज़्यादा खर्च नहीं होगा, ठीक है, ये जो है डाटा खर्च करेगा ही नहीं। आपको सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे जाने के बाद आपको नीचे चले आना है, फिर यहाँ पर देख सकते हैं साइट सेटिंग, फिर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड सिंक्रोनाइजेशन। तो ये जो है आप किसी के मोबाइल पे भी देख लीजिएगा, हर टाइम ये ऑन ही रहता है, ठीक है। तो ऑन रहता है मतलब कि वो हर समय जो इंटरनेट कनेक्शन के जब भी डाटा ऑन होता है तो ये जो क्रोम ब्राउज़र है उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, मतलब कि डाटा खर्च करता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको बंद करना तो आप इसको बंद कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से इसको बंद कर सकते हैं। और फिलहाल मैं इसको बंद नहीं करना चाहता हूँ कि क्रोम ब्राउज़र के अंदर काफ़ी सारे जो मेरे काम है, तो मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा ऑन रहे, अगर डाटा खर्च हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा खर्च ना हो तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था, अगर वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल जरूर से लाइक करें, हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लेके आता हूँ। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।